आईपीएल 2023 के ओपनिंग मैच में चोटिल हुए ये दो खिलाड़ी, धोनी भी लिस्ट में शामिल। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे सब कुछ आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपना प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अभी तो वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीएल 2023 का आगाज टाइटंस की जीत और चेन्नई सुपर किंग्स के हार के साथ हुआ। ओपनिंग मैच में हार्दिक पांड्या की गुजरात ने धोनी की चेन्नई को 5 विकेट से रौंदते हुए मुकाबला जीता। इस मैच में दोनों टीम के खिलाड़ियों की चोट की परेशानी दिखी। गुजरात टाइटंस के केन विलियमसन फील्डिंग के दौरान बुरी तरह से चोटिल होकर मैदान से बाहर हो गए। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी अपने घुटने की चोट से परेशान दिखे। हालांकि अंत तक धोनी के चेहरे पर मुस्कान बनी रही और उन्होंने दर्द के बावजूद मैदान नहीं छोड़ा। केन विलियमसन चेन्नई सुपर किंग्स की पारी के 13वें ओवर के दौरान चोटिल हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ ने जोशुआ लिटिल को तीसरी गेंद पर मिड विकेट पर शॉट चढ़ा। छक्का बचाने के प्रयास में केन विलियमसन हवा में छलांग लगाई और गेंद को पकड़ के बाउंड्री के अंदर फेंका। जैसे ही विलियमसन जमीन पर लैंड हुए तो वे चोटिल हो गए। ये चोट इतनी गंभीर थी कि अपनी जगह से वे नहीं हिल पाए। बाद में उन्हें गुजरात टाइटंस ने फिजियो लेकर बाहर गए। वही हमरे महेंद्र सिंह धोनी की तो वह इस मैच से पहले ही अपने बाएं घुटने की चोट से परेशान थे। गुजरात की पारी के 19वें ओवर के दौरान लैंडस्लाइड के ड्राइव लगाते हुए धोनी के पैर में फिर से खिंचाव हुआ और वह दर्द से कराहते दिखे। हालांकि उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। धोनी की ये चोट कितनी गंभीर है अभी तक इस पर कोई भी अपडेट नहीं आया है। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मैच में ऋतुराज हर्षदत्त की मदद से पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस के सामने 189 रनों का लक्ष्य रखा। इस स्कोर को डिफेंडिंग चैंपियन टीम ने 4 गेंदें शेष रहते ही हासिल कर दिया, जिसकी वजह से राशिद खान प्लेयर ऑफ द मैच बने। जहां दोस्तों, तो आप क्या कहना चाहेंगे आईपीएल 2023 के पहले मैच के बारे में, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।